मिर्जापुर 26 सितंबर 2024। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने आज मंडलीय जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा चिकित्सालय के पीछे कूड़ा फैला देख नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि कूड़े को चिन्हित स्थलों पर ही एकत्रित किया जाए। उन्होंने रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करा रहे मरीजों से वार्ता की और एक मरीज के द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि ओपीडी में डॉक्टर को दिखाना है, जिस पर उनके द्वारा मरीज के साथ स्वयं शिशु बाल रोग विशेषज्ञ ओपीडी पहुंचकर डॉक्टर द्वारा लिखी जा रही है दवाइयां और जानकारी प्राप्त की गई है। जिलाधिकारी के पूछे जाने पर बताया गया कि बच्चों के लिए एक ही ओपीडी चल रही है, जिसमें डॉक्टर राजेश सिंह सहायक प्रोफेसर नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा उपचार किया जाता है। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि बच्चों हेतु एक कक्ष में ओपीडी संचालन कराते हुए बैठने हेतु व्यवस्था कराई जाए। निरीक्षण के दौरान सीढ़ियों पर लगी खिड़कियों पर अत्यधिक गंदगी देख कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। उन्होंने वाहन पार्किंग को चिकित्सालय परिसर के पीछे स्थापित करने और आगे की स्थल की सफाई व गड्ढों को समतल कराने का निर्देश मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को दिया। उन्होंने मुख्य अधीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि ओपीडी में चिकित्सकों के समस्त कक्षों की संख्या सहित संपूर्ण विवरण के साथ बोर्ड पर अंकित कर रजिस्ट्रेशन काउंटर के समीप लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर के मध्य से सीसीयू के पास होकर पीछे जाने वाली रोड की मरम्मत करवाने के भी निर्देश दिए।